हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। हाल ही के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने अपने फेज 4 की मूवीज अनाउंस की हैं और जाहिर सी बात है मैं लेट हूं, लेकिन आई डोंट गिव अ फक। इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि मार्वल ने तो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, लेकिन डीसी का क्या? वे खुद ही बेचारे किस्मत ने उनकी मार रखी है और आगे के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके वे और भी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन मूवीज तो उन्हें बनानी ही पड़ेंगी, कंपनी को पैसे जो कमाने हैं। तो एक बात तो है, उनकी कोई पिक्चर फ्लॉप नहीं जाएगी, लेकिन लोग उसे टोटली पसंद भी नहीं करेंगे, ये तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले मार्वल के फेज 4 के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़े जान लेते हैं। तो अब की बार मार्वल ने अपना 2 ईयर प्लान निकाला है, क्योंकि एक ब्लॉग में मेंशन किया गया था कि मार्वल ने अपने पिछले 5 ईयर प्लान को अनाउंस करके रिग्रेट कर रही थी। तो अब से कम ही सालों के प्लान आएंगे, जिसमें से फेज 4 में सबसे पहले ब्लैक विडो शामिल है, जो 1 मई 2020 को रिलीज होने वाली है। अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि ब्लैक विडो जा चुकी है, तो वे मार्वल का बहुत सालों से हिस्सा है और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट शुरू से, और इनके ऊपर पिक्चर आनी चाहिए। और ये एक स्पिन ऑफ है जो कि आपकी बुडापेस्ट वाली कहानी पे फोकस करेगी। 2020 की लास्ट मगर इम्पोर्टेंट मूवी है द इटर्नल्स, जो कि 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये एक सुपर हीरो मूवी है जिसमें एंजेलिना जोली भी स्टार करने वाली हैं। इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलेगी। 2021 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ बेहतरीन मूवीज आने वाली हैं, जैसे कि सबसे पहले 12 फरवरी को शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स भी रिलीज होने वाली है। ये भी एक सुपर हीरो बेस्ड मूवी है जिसमें सबसे पहली बार कोई एशियन स्टार कास्ट होगा एज अ मेन लीड में। अगली मूवी जो मैटर करने वाली है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये देखकर जाहिर सी बात है कि लग रहा है कि मार्वल को मल्टीवर्स में घुसना ही है, और जब डॉक्टर साहब होंगे तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं होगी कि मूवी कितनी औसम होगी। और ये मूवी 2021 के 7 मई को रिलीज होने वाली है। आगे थॉर को प्यार का करंट लगने वाला है 5 नवंबर 2021 में। थॉर लव एंड थंडर में नैथली पोर्टमैन थॉर का हैमर उठाने वाली है। सीरियसली बोलूं तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, पैसे उनके पास हैं, देखना तो पड़ेगा। लेकिन अब वे इसमें नया क्या करेंगे वो देखने लायक होगा। जल्दी से आपको ये भी बता देता हूँ कि सोनी भी अपना अलग से मार्वल यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें अपकमिंग मूवीज हैं मॉर्बिस जो रिलीज हो रही है 31 जुलाई 2020 में, वेनम 2 तो देखना ही है, टॉम हार्डी बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, वेनम 2 रिलीज हो रही है गांधी जयंती के दिन 2020 में। कुछ तो लफड़ा है रिलीज डेट को लेकर, पता लगाना पड़ेगा। और नाइट वॉच, कार्विन द हंटर और सिनिस्टर 6, इनके रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन ये कंफर्म किया गया है कि ये आएंगे। सोनी के एनिमेशन वाली क्राइटेरिया की बात करें तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 भी कंफर्म किया गया है, और स्पाइडर वुमन का स्पिन ऑफ एनिमेशन भी आएगा। रिलीज डेट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अभी डेवलपमेंट में चल रही है, आएंगी। खुश हुई? कमेंट्स में उसके बारे में मेंशन करिए। आगे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि डिज्नी प्लस के शोज, ब्लेड, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, फैंटास्टिक फोर, उसके बारे में भी अभी आगे बताता हूं मैं आपको। तो अभी हम डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। डीसी एंटरटेनमेंट यूनिवर्स ने सैन डिएगो में अपना कोई ऑफिशियल एक्सपो तो नहीं रखा, लेकिन ये पहले से ही कंफर्म है कि डीसी ने अपने 3 ईयर प्लान्स को शो किया है। जैसे उसमें सबसे पहले है जोकर, जो कि 2019 में 4 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। ये मूवी जोकर कैरेक्टर को फिर से रिबूट करेगी। उसके बाद सीधे 2020 में फरवरी 7 पे आते हैं, जहां हमें देखने को मिलेगी हार्ली क्विन की बर्ड्स ऑफ प्रे। सुसाइड स्क्वाड मूवी के कॉमर्शियली हिट होने के कारण हार्ली क्विन वाले कैरेक्टर ने ना जाने किन किन लोगों के हाथ गंदे करवाए, और उसका राउंड 2 हमें अगले साल के पहले ही क्वार्टर में देखने को मिलेगा। उसके बाद वंडर वुमन 1984, जो कि जून 5 को आएगी, बहुत ही कलरफुल मूवी है। अब यहाँ से आप सीधे अगले साल पे जंप करिए, 2021 में सबसे पहले ही आपको द बैटमैन देखने को मिलेगी, जो कि 25 जून को रिलीज होने वाली है। उसके बाद सुसाइड स्क्वाड 2 अगस्त 6 को, जैसे कि मैंने आपको बताया पैसे बहुत अच्छे बनाए थे मूवी ने। फिर फ्लैश भी 2021 में आने वाली है, डेट नहीं बताई गई है, लेकिन उसी साल उसको रिलीज होना है। और ये मूवी डीसी का मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि जैसा कि रूमर्स चल रहे हैं, अगर वैसा हुआ तो ये डीसी एंटरटेनमेंट यूनिवर्स को पूरा का पूरा बदल के रख देगी। और एक्वामैन की सक्सेस के कारण 16 दिसंबर 2022 को एक्वामैन 2 भी कंफर्म किया जा चुका है। डीसी के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक एडम, लोबो, जस्टिस लीग डार्क, साइबॉर्ग, फिर से जस्टिस लीग का सीक्वल, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, मैन ऑफ स्टील का सीक्वल, बूस्टर गोल्ड, गॉथम सिटी साइरन्स, डेथशॉट, नाइटविंग, बैटगर्ल, हार्ली क्वीन एंड जोकर, डेथस्ट्रोक, सुपरगर्ल, ब्लू बीटल, प्लास्टिक मैन, क्या चूतिया नाम है, फिर से वंडर वुमन 3, द ट्रेंच और शजाम का सीक्वल। ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई है, इसमें से हम शुरू के 4-5 मूवीज देख चुके होते अगर डीसी ने ये चौदना फैलाया होता तो। और इन सब मूवीज को आप 2021 से पहले एक्सपेक्ट मत करिएगा, ये सब साले डिले मारने में बहुत आगे हैं, जल्दी तो काम होता ही नहीं है इनसे। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि डीसी के साथ ऐसा लफड़ा क्यों हुआ। अब तो मार्वल मूवीज का टोन ही अलग है, मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि उनकी मूवीज चॉकलेट है। अब वे सबसे बेस्ट चॉकलेट बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और सब चॉकलेट के पीछे ही भागते हैं।
फिर तब जब व्यूअर्स मूवीज को जज करते हैं कि अरे ये उस चॉकलेट की तरह नहीं थी, मगर वो चॉकलेट भी नहीं थी, दुनिया में और भी फ्लेवर्स हैं, तो अगर आप मूवीज को उस टेस्ट पे देखेंगे जिस टेस्ट पे मार्वल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको चॉकलेट की आदत पड़ चुकी है, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। तो चलो अभी मोनोलॉग चालू नहीं करता हूँ, तो पता चल गया ना डीसी का क्या हाल है। तो मार्वल के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं, जैसे कि ब्लेड, ये मूवी भी थिएटर्स को हिट करेगी, ऑफिशियल डेट अनाउंस होना अभी बाकी है। वांडा विजन, लोकी, हॉकआई और व्हाट इफ एक डिज्नी प्लस की सीरीज होंगी, व्हाट इफ को छोड़ के, मतलब कि वो भी सीरीज होगी लेकिन वो एनिमेशन सीरीज होगी। एक बात बताऊं, व्हाट इफ इतना अजीब है ना कि पूरी की पूरी यूनिवर्स ही गांड मार के रख सकता है। हमें कॉमिक कॉन में फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के भी हिंट मिले हैं, और एज यूजुअल फैंटास्टिक फोर का फिर से रीबूट होगा, और एक्समैन के सक्सेसफुल कैरेक्टर्स भी हमें हमारे मेन यूनिवर्स में शामिल होंगे, और आप जानते ही हैं कि सक्सेसफुल कौन कौन है। और आप मुझसे और कनेक्ट करने के लिए आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @priyanshukalwar के नाम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारिए इस वीडियो को, इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब मारिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।